बहुत समय पहले किसी गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। चांदनी के बूढ़े माता पिता कोई काम नहीं कर पाते थे, इस वजह से चांदनी लोगों के घरों पर जूठे बर्तन साफ करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। फिर एक दिन चांदनी कहीं जा रही थी, तभी रास्ते के किनारे उसे एक बूढ़ा मिलता है। बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। आप चिंता मत करिए बाबा जी, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। मुझे बताइए आपका घर कहाँ है? सामने वाले जंगल को देख रही हो ना, बस उसी के बगल में जो नदी है, मैं वहीं पर रहता हूँ। नदी के किनारे मेरी छोटी सी झोपड़ी है। फिर चांदनी बूढ़े को अपने कंधे पर बैठा देती है और नदी की ओर चल देती है। काफी देर चलने के बाद चांदनी बूढ़े को नदी के किनारे मौजूद झोपड़ी तक पहुंचा देती है। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, मेरी सहायता की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, लेकिन तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। जंगल के बीचों बीच जादुई चांद की एक मूर्ति है, उसके सामने पूजा और तपस्या करने से तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। उसके बाद बूढ़ा झोपड़ी के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ चांदनी भी अपने घर चली जाती है, लेकिन अचानक उसी रात जब चांदनी के माता पिता सो रहे थे, तभी भूकंप आ जाता है और चांदनी का घर पूरी तरह टूट जाता है। चांदनी के माता पिता घर के मलबे के नीचे दब जाते हैं। उस समय चांदनी कुएं में पानी भर रही थी। अपने घर को टूटा हुआ देख चांदनी अपने माता पिता को बचाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ती है। वह किसी तरह अपने माता पिता को मलबे से बाहर निकाल कर ले आती है, लेकिन चांदनी के माता पिता पूरी तरह घायल हो चुके थे। चांदनी उन्हें फौरन पास के अस्पताल में ले जाती है। तुम्हारे माता पिता बहुत घायल है, इनका इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। यह सुनकर चांदनी परेशान हो जाती है। उसके बाद वह अपने मालकिन मालती के घर उससे मदद मांगने पहुंच जाती है। मेम साहब, मेरे माता पिता बुरी तरह घायल हो गए हैं, उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, जल्दी से आप मुझे कुछ पैसे दे दो। नहीं नहीं, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, चल भाग यहाँ से। चांदनी रोते हुए मालती की बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन मालती उसकी एक नहीं सुनती। उसके बाद चांदनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी गांव के लोगों से भी मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करता। सभी लोग बहुत ही मतलबी है, बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। तभी चांदनी को बूढ़े आदमी की बात याद आती है। वह फौरन जंगल के बीच वाले हिस्से में पहुंच जाती है। तभी उसे अपने सामने चांद की मूर्ति दिखाई देती है। चांदनी ढेर सारे फूल इकट्ठा करके चांद की मूर्ति की पूजा करने लगती है। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अचानक वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है और चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। इस बात से चांदनी जरा भी नहीं घबराती और मूर्ति की पूजा करना जारी रखती है। थोड़ी ही देर में एक बड़ा सांप चांदनी के शरीर को जकड़ लेता है, लेकिन फिर भी चांदनी अपनी जगह से नहीं हिलती। वह लगातार चांद की मूर्ति की पूजा करना जारी रखती है। फिर अगले ही पल अचानक वहाँ एक तेज रोशनी होती है और आसमान से एक विशाल चांद चांदनी के सामने आ जाता है। तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत खुश हुआ, कहो तुम्हें क्या चाहिए? चांदनी रोते हुए चांद को अपने माता पिता के बारे में सब बता देती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसके बाद चांद वहाँ पर एक जादुई चांदी का ट्री हाउस प्रकट कर देता है। इस घर के अंदर एक चांदी की गाय रहती है, वह चांदी का दूध देती है, उसका दूध अपने माता पिता को पिला दो, तुम्हारे माता पिता पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही तुम रोज चांदी का दूध बेचकर ढेर सारे पैसे कमाना। उसके बाद चांद वहाँ से अदृश्य हो जाता है। फिर चांदनी ट्री हाउस के अंदर चली जाती है। अगले ही पल ट्री हाउस चांदनी को उसके माता पिता के पास ले जाता है। फिर घर के अंदर मौजूद चांदी की गाय का दूध निकालकर चांदनी अपने माता पिता को पिला देती है और देखते ही देखते उसके माता पिता पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अगले दिन से चांदनी गाय का दूध बेचना शुरू कर देती है, बदले में उसे रोज ढेर सारे पैसे मिलते थे। कुछ ही दिनों में चांदनी बहुत अमीर बन जाती है। चांदनी के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह अपने माता पिता के साथ चांदी के घर में हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन फिर एक दिन चांदनी की मालकिन मालती को इस बारे में पता चल जाता है। एक शाम जब चांदनी अपने माता पिता के साथ बाहर घूमने गई थी, तभी मालती उसके घर में दाखिल हो जाती है। अब इस चांदी की गाय को मैं अपने साथ ले जाऊंगी और रोज इसका चांदी का दूध बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर चांदी की 10 गाय प्रकट हो जाती है।
अरे ये क्या, यहाँ तो 10 गाय है, इनमें से असली गाय कौन सी है? इससे पहले कि मालती कुछ समझ पाती, सभी गाय मालती के ऊपर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल करके वहाँ से भगा देती है। मालती गिरते पड़ते घर से भाग जाती है, तभी रास्ते में उसे चांदनी मिलती है। तेरे घर में मौजूद चांदी की गाय ने मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया, आखिर तुझे जादुई गाय कहाँ से मिली है? मुझे भी अपने लिए जादुई गाय चाहिए। चांदनी एक अच्छे दिल की लड़की थी, वह मालती को जंगल में मौजूद चांद की मूर्ति के बारे में सब बता देती है। फिर अगले दिन मालती ढेर सारे फूल और पूजा का सामान लेकर मूर्ति के पास पहुंच जाती है। लगातार मालती कई घंटे तक चांद की पूजा करती है, फिर आखिरकार चांद वहां प्रकट हो जाता है। तुमने बहुत देर तक मेरी पूजा की है, कहो तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी नौकरानी को चांदी का ट्री हाउस दिया है, मुझे सोने का ट्री हाउस चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसके बाद चांद वहाँ पर सोने का ट्री हाउस प्रकट कर देता है। मालती तुरंत दौड़कर सोने के ट्री हाउस के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर एक काली भैंस मौजूद थी। लगता है ये भैंस मुझे रोज सोने का दूध देंगी। उसके बाद मालती भैंस से दूध मांगती है, लेकिन अगले ही पल भैंस मालती को टक्कर मारकर वहाँ से भगा देती है। हाय मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। इस बात से मालती को बहुत गुस्सा आता है और वह चांद से शिकायत करने लगती है। लोगों की नीयत और उनके स्वभाव के चलते मैं उन्हें इस प्रकार का जादुई घर देता हूँ। तुम एक लालची और धोखेबाज हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुरा ट्री हाउस दिया है। अब एक साल तक ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम इससे दूर नहीं जा सकती। उसके बाद चांद वहाँ से गायब हो जाता है। ओए मेरी भैंस को बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। मालती अपने घर में मौजूद खाना भैंस के आगे रख देती है। थोड़ी ही देर में भैंस सारा खाना खा जाती है। शाम को दोबारा ट्री हाउस मालती से खाना मांगता है। देखते ही देखते दो दिन में मालती के घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। मालती दोबारा बाजार से अनाज खरीद कर ले आती है, लेकिन वह भैंस रोज उसके घर का सारा खाना खा जाती थी। अरे ये सब क्या है, ये भैंस तो रोज ढेर सारा खाना खाती है, इसे खाना खिला खिला कर मैं कंगाल हो जाऊंगी। ओए मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुमने भैंस को खाना नहीं खिलाया तो मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। उसके बाद मजबूर होकर मालती अपने सारे पैसे बैंक से निकाल लेती है और ढेर सारा अनाज खरीद कर ले आती है। देखते ही देखते उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फिर आखिरकार वह अपने सारे गहने बेच देती है, लेकिन वह भी कुछ हफ्तों में ही पैसे खत्म हो जाते हैं। हाय ये क्या हो गया, अब तो मेरे पास सिर्फ मेरा घर और ये मेरी जमीन बची है। ओए ठीक है, तुम अपना घर और जमीन बेच दो, उसके बाद अनाज खरीद कर लाओ, मेरी भैंस बहुत भूखी है। इतना कहकर जादुई घर वहाँ पर ढेर सारी आग प्रकट कर देता है। यह देख मालती बुरी तरह घबरा जाती है। उसके बाद मजबूर होकर मालती अपना घर और जमीन बेचकर भैंस को खाना खिलाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ समय में ही मालती पूरी तरह कंगाल हो जाती है। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ओए तूने लालच किया था ना, इसलिए तुझे इसकी सजा मिली है। जो लोग बुरे वक्त में दूसरों की मदद नहीं करते, उनके साथ ऐसा ही बुरा होता है। मैं तुम्हारी बात समझ गई, आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी और हमेशा दूसरों की सहायता करूंगी। इस तरह मालती को उसका सबक मिल जाता है और वह एक अच्छी लड़की बनकर सभी के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है।